जिला कुल्लू में न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर कुल्लू पुलिस भी अब चौकस हो गई है। वहीं वाहनों की जाम से बचने के लिए कुल्लू पुलिस रूम की मदद लेगी और ड्रोन के जरिए ही जगह जगह यातायात को सुचारू किया जाएगा। न्यू ईयर मनाने के लिए इन दिनों हजारों की संख्या में रोजाना वाहन जिला कुल्लू के मनाली मणिकरण व बंजार घाटी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में घाटी की संग सड़कें ट्रैफिक जाम का भी कारण बन रही है। वहीं कुछ पर्यटकों की गलती की वजह से भी घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू पुलिस ने न्यू ईयर के लिए अब एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसके लिए कुल्लू पुलिस ड्रोन की भी मदद लेगी। ड्रोन के माध्यम से जगह जगह ट्रैफिक को भी सुचारू किया जाए। बीते दिनों भी हजारों की संख्या में वाहन आने के चलते ट्रैफिक लगा रहा और पुलिसकर्मियों को भी उसे सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और जगह जगह पर लोन भी उड़ाया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से सड़क में गलत तरीके से पार्क हुए वाहनों का पता लगाया जाएगा और उनके चालान भी काटे जाएंगे। वहीं एसपी कुल्लू गौरव सिंह का कहना है कि तंग सड़कों पर बड़े वाहनों को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद भेजा जाएगा, ताकि न्यू ईयर मनाने आए सैलानियों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़े। वहीं उन्होंने सैलानियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने वाहनों को ट्रैफिक नियमों के अनुसार ही चलाएं। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से कोरोना के मद्देनजर चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक दिन में ही कुल्लू मनाली व सोलंग नाला में पर्यटकों सहित स्थानीय कुल 24 लोगों के चालान काटे गए। टूरिस्ट और जो लोकल बसेस के रूट को संचालित करने के लिए उनको भी स्टैगर्ड किया गया है। जैसे मणिकरण को जाने वाली 25 से 30 बड़ी बसेस जो आ रही हैं, उनको हाथीथान और भुंतर के पास ही रोका जा रहा है और यहाँ से उनके बीच में जो है डिले इंट्रोड्यूस करके ही उनको आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे रोड्स नैरो हैं और बसेस के जाने से वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी तरह से मनाली तीर्थन के क्षेत्र में जाने वाली बसेस को भी इसी तरह से स्टैगर किया जाएगा, 1x1 करके इनको अलाउ किया जाएगा। और अगर ट्रैफिक रश और टूरिस्ट का रश टूरिस्ट एरिया जैसे मणिकरण, तीर्थन या मनाली में ज़्यादा हो जाता है तो बसेस को आउटर पेरिफेरी तक ही सीमित रखा जाएगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर और स्पॉट्स पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग एंटिसिपेटेड है, वहाँ ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक कंजेक्शन को एरियल रूप से समझने के लिए और उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल मनाली, तीर्थन और मणिकरण के क्षेत्रों में भी करेंगे। इन सभी 24 लोगों से कुल 33,000 रुपये चालान के वसूले गए।